अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एट एमएम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे हुए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। सो दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट mmfinancials.pk और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन ज्वाइन इन। लिंक्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके साथ ही हम जरा जंप इन करते हैं वीकली पे KSE 100 में। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है वहाँ तक का मूव एटलीस्ट एक्सपेक्टेड होगा ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। दी ओनली क्वेश्चन इज कि आर वी गोइंग टू मेक ए हायर लो और ए लोअर लो। लोअर लो की सिचुएशन में दिस इज गोइंग टू बी अ डाउन ट्रेंड वंस अगेन, और जिस तरह के प्रीवियसली चलता आ रहा है हमारे पास कंजेकटिव लोअर हाइस बनते चले आ रहे हैं विद लोअर लोज। सो उसकी तरह हमारे पास जो ट्रेंड है वो डाउन साइड पर रहेगा, विच मीन्स कि ऑब्वियसली या तो हमारे पास एक प्राइस एक्शन पर कैपिचुलेशन आए या हमारे पास एक टाइम के ऊपर कैपिचुलेशन आए। सो वन ऑफ द टू वेरिएबल्स नीड टू बी सेटिस्फाइड। उसके लिए टाइम का मतलब यह है कि मार्केट कैन गो साइडवेज एंड टू द डाउन साइड फॉर अ लॉट ऑफ टाइम अगर हमारे पास वीकली जो लास्ट लो है वो ब्रेक हो जाता है बिलो 39,935 अप्रॉक्सीमेटली ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। इसी तरह अगर हमारे पास वापस ऊपर की तरफ मार्केट जाती है और 43,812 का लेवल जो है वो अबूर हो जाता है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम विद ए हायर लो राइट नाउ, जहाँ पे है यहाँ से अगर हमारे पास हायर लो बनता है और वापस ऊपर जाती है तो वीकली पे 43,800 पॉइंट के लेवल के ऊपर वापस मार्केट जो है अपना ट्रेंड रिवर्स कर देगी, विच मीन्स दैट वी आर नाउ गोइंग अगेन गोइंग टू सी हायर हाइज एंड हायर लोज। तो मार्केट अभी लोअर लो की तरफ नहीं पहुँची। एज यू कैन सी कि हमारे पास काफ़ी ह्यूज कैंडल है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, यू कैन सी इट ओवर हियर। इसको रिट्रेस करने का मतलब है द मार्केट गोज ऑल द वे अप टू 41,723, विच इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क, लेकिन ऑफ कोर्स जब तक जाती नहीं है या लोकल लो यहाँ पे फॉर्म होता नहीं है तब तक वीकली के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल की तरफ बात नहीं हो सकेगी, क्योंकि वंस वी मेक अ लोकल लो देन वी हैव टू टेक आउट 43,800 पॉइंट्स ऑन द वीकली लेवल। डेली में चल के देखते हैं। डेली में मैंने आपको इस तरह प्रीवियसली बताया था कि जो हमारे पास इसलिए मैं वीडियोस भी बीच में नहीं लाता क्योंकि जब मार्केट साइडवेज जा रही हो या ज़्यादा कुछ होना हो रहा हो तो तब तक कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का, एक ही बात को बार बार रिपीट करने का। सो यहाँ पे हमारे पास डेली में जो मैंने आपको रेजिस्टेंस पहले थी हमारे पास जो कि टर्न हुई सपोर्ट में यहाँ पे, उसके ऊपर मार्केट साइडवेज जाती गई, लेकिन मैंने आपको बताया था कि बार बार अगर मार्केट नीचे आएगी इस सपोर्ट को टेस्ट करने तो दिस इज़ गोइंग टू लाइकली गेट ब्रोकन टू द डाउन साइड, और वही हुआ। यहाँ पे हमारे पास 20th of September को ब्रेक डाउन हो गया टू द डाउन साइड। उसके बाद अभी तक हमारे पास एग्जैक्टली एक कैंडल क्लोज, दूसरा ओपन और क्लोज, और फिर थर्ड वन इज ऑल्सो क्लोज्ड। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकें ऑन द डेली टाइम फ्रेम दैट वी हैव, आप इसको कह सकते हैं कि ये एक बुलिश हैमर कैंडल है, अगर हैम या आप इसको शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं। सो दीज कैंडल्स कम एट द मोमेंटम रिवर्सल पॉइंट इन द मार्केट। तो मोमेंटम रिवर्सल का मतलब है कि मार्केट वापस ऊपर की तरफ पुश कर सकती है, और लेकिन उसका पुश करने का ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ पे अपना बॉटम आउट कर गई और वापसी यहाँ से हो जाए। हम तब तक इसको कंफर्म नहीं कर सकेंगे जब तक हमारे पास लास्ट जो हाई है वो टेकआउट नहीं होता, विच मीन्स कि वही वीकली वाला सिनेरियो है कि यहाँ पे अगर लोकल हाई बन जाता है, सॉरी लोकल लो बन जाता है, तो उसके बाद हमें जो लास्ट लोकल हाई था उसको टेकआउट करना है इन ऑर्डर फॉर टू अटेन द हायर हाई इन द मार्केट। और वो हायर हाई जब तक नहीं आएगा तब तक रिवर्सल की बात नहीं हो सकेगी। सो डेली टाइम फ्रेम में अगर हमारे पास यहाँ पे किसी किस्म की बुलिशनेस मार्केट में वापस आती है या इस रेजिस्टेंस जो हमारे पास मौजूद है अब दोबारा से, जो पहले सपोर्ट, पहले रेजिस्टेंस थी फिर सपोर्ट बनी और दोबारा से अगर हम इस रेजिस्टेंस को अबूर करते हैं ऊपर की तरफ, देन येस वी माइट हैव अ चांस टू एटलीस्ट हैव अ शायद 200 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन द डेली टाइम फ्रेम अलॉन्ग विद दीज लेवल्स। लेकिन जब तक ये लेवल टेकआउट नहीं होते ऑन द डेली टाइम फ्रेम, या फॉर द सेफर साइड कह लें कि 44,136 पॉइंट्स का लेवल जब तक अबूर नहीं होता, जो कि हमारा 0.618 है ऑन द डेली टाइम फ्रेम ऑन द फिबोनाची लेवल, जब तक ये टेकआउट नहीं होगा तब तक हमारे पास मार्केट में बुलिशनेस वापस रिटर्न उस तरह से नहीं होगी। एनी काइंड ऑफ पुश टू द अपसाइड कैन ईजिली बी अ सेल ऑफ, सो बी वेरी अवेयर ऑफ दैट। आवर्ली में चलते हैं। आवर्ली में मैंने आपको बताया था कि 0.618 के नीचे हमारे पास दो क्लोजेस मिल गए हैं। अगर किसी किस्म का स्नैपबैक मूव आता है तो वो 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर जाना चाहिए, उसके पहले किसी भी किस्म का जो मूव होगा वो सिर्फ स्नैपबैक होगा। यू कैन सी इट ओवर हियर, इसको अगर आप जूम इन करके देख सकें कि यहाँ पे हमारे पास जो पुश आया वो 21 एक्सपोनेंशियल से नीचे ही खत्म हो गया और एक और सेल ऑफ हुआ। और मैंने आपको बताया था कि 0.786 इज़ द नेक्स्ट स्टॉप विच इज़ एट 40,468 पॉइंट्स, और वहीं पर जाके अगला हमारे पास वापस पुश बैक मिला एंड अगेन वी आर करंटली टेस्टिंग ओनली 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये लास्ट 3 आवर्स का मूव है मार्केट बंद होने से पहले। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो RSI है ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम, अब वो क्या इंडिकेट कर रही है, वहाँ पे हमारे पास इफ़ यू कैन सी इट ओवर हियर कि हमारे पास लास्ट लोकल हाई यहाँ पर मौजूद है ऑन दी आवरली टाइम फ्रेम। इस वक्त प्राइस एक्शन इससे काफ़ी नीचे है और 21 एक्सपोनेंशियल के भी नीचे है, जबकि RSI काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुकी है, यू कैन सी इट ओवर हियर। तो अब अगर हमें
इस लेवल के ऊपर जब तक हम विदाउट लोकल हाई कंफर्म किए हम अगर ऊपर चले जाएं तो ओनली इन दैट केस ये जो मूव है एक वी शेप ये रिकवर कर सकता है वापस मार्केट को ऊपर की तरफ, वरना यहाँ पे ऑलरेडी डाइवर्जेंस आरएसआई पे क्रिएट होनी शुरू हो गई है विच इज़ बेरिश डाइवर्जेंस, और जहाँ पे भी आपके पास लोकल हाई बन गया वहाँ पे डाइवर्जेंस जो है वो कंफर्म हो जाएगी और मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ जा सकती है। सो अवली टाइम फ्रेम में जब तक हमारे पास लास्ट लेवल टेकआउट नहीं होता विच इज़ समवेयर अराउंड 41,282 पॉइंट्स या राउंड फिगर कह लें 42,000 पॉइंट से जब तक मार्केट्स ऊपर अवली क्लोज नहीं करने शुरू करती विदाउट मेकिंग अ लोकल हाई तब तक हमारे पास डाइवर्जेंस का खतरा रहेगा, और अगर वहाँ से भी अबूर हो जाते हैं तो हमारे पास उससे जो प्रीवियस वाला है यू कैन सी दिस वन, ठीक है ये हमारे पास जो 19 सितंबर को आवरली पे लोकल हाई बना हुआ है यहाँ पे दिस इज समवेयर अराउंड 41,853 पॉइंट्स 41,853 पॉइंट का जो लेवल है वो भी वहाँ पे भी डाइवर्जेंस क्रिएट होगी क्योंकि अगर हमारे पास आरएसआई ऊपर आती है मजीद तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस वहाँ से बनेगा। सो कीप दैट इन माइंड, हमारे पास जो लोकल हाई है वो बनाए बगैर मार्केट को ऊपर आना पड़ेगा। तकरीबन आप कह लीजिए कि पहला लेवल जो है वो 41,282 पॉइंट्स का है और दूसरा लेवल 41,853 पॉइंट्स का, इन दोनों को बगैर डाइवर्जेंस के बूर करना पड़ेगा। इन दैट केस यस वी कैन से कि मार्केट जो है वो वापस अपनी रिकवरी की तरफ आना शुरू हो गई है। सो वीकली में वही सिनेरियो जो आपको बताया था कि 39,920 या 900 पॉइंट्स राउंड फिगर कर लें, इससे नीचे अगर वीकली क्लोज होती है तो बी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास डाउन ट्रेंड ही मौजूद है और एक और सीक्वेंस के अंदर लोअर हाई के साथ लोकल लोअर लो भी बन रहा है। सो उसके हिसाब से मार्केट इज़ गोइंग टू कीप अ डाउन ट्रेंड, लेकिन अगर हमारे पास किसी तरह यहाँ पे वीकली वापस क्लोज करती है या एक लोकल लो बना पाती है, अगर इस हफ्ते में देखें कि इस हफ्ते में हमें वीकली लोकल लो बनाने के लिए क्या मार्केट को करना पड़ेगा, तो हमें बाय फ्राइडे वी विल हैव टू क्लोज समवेयर अराउंड दिस लेवल विच इज़ एट 42,400, और अगर हम इसको नेक्स्ट वीक पे ले जाते हैं तो उससे पहले हमें डिपेंड करता है कि फ्राइडे को क्लोज कहाँ पे मिलता है, और जब फ्राइडे को क्लोज मिलेगा तो ऑफकोर्स आई विल बी गाइडिंग यू कि हमारे पास नेक्स्ट क्लोज कहाँ पे होना चाहिए जिसके बाद हमारे पास वीकली के ऊपर एक लोकल लो बन सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।